सिर मोर है आप सभी। आप शांति रखो एक मिनट। नहीं प्लीज प्लीज नहीं प्लीज अभी सुनो समझो बात को। सभी युवा साथियों से निवेदन है और आग्रह है अशोक गहलोत समाज के सिर मोर है ये लेकर पर इस राजस्थान में की धरती पे खड़ा करने का काम करोगे। मुझे अभी बताया गया 200 विधानसभा सीटों में से यहां दो राष्ट्रीय राजनीतिक दल जिस दल का मैं प्रतिनिधित्व करता हूं भारतीय जनता पार्टी जो आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है उस पार्टी से हमें 2018 में यहां पर 6 टिकट मिले थे और कांग्रेस पार्टी से 4 विधानसभा के टिकट मिले थे। लेकिन मेरा पूरा विश्वास है आपस में अगर लड़ोगे नहीं तो 6 और 4 नहीं कम से कम 20-20 टिकट मिलेंगे या लड़ने का समय नहीं होता है। मैं आप सबको यहां पर आह्वान करने के लिए आया हूं। आज देश और प्रदेश एक ऐसे रास्ते पर चला है जिसमें एक राष्ट्रवाद की झलक दिखाई देती है। आप बोलिए हेलो 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 फूले की महात्मा ज्योतिबा फूले। भाइयों आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं ये भी हमारे सिरमौर हैं गहलोत साहब भी सिरमौर हैं आप सभी। आप शांति रखो एक मिनट। नहीं प्लीज प्लीज नहीं प्लीज अभी सुनो समझो बात को। हेलो मेरे सभी युवा साथियों से निवेदन है और आग्रह है अशोक गहलोत समाज के सिर मोर है ये नहीं करे पर इस राजस्थान में की धरती पे। अभी आप सभी मित्रों मैं आप सबको आह्वान करना चाहता हूं अपील करना चाहता हूं जागिए एकजुट रहिए ये महासंगम एकता का प्रदर्शन करने के लिए आयोजित हुआ है और यह अधिकार पाने की इच्छा रखने के समय आपस में विवाद करने से कुछ नहीं होता। मैं आप सबको भरोसा दिलाता हूं भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज पूरी दुनिया के अंदर भारत का डंका बज रहा है और वह डंका बजता रहेगा। अभी आप सबके सामने 2023 और 2024 विधानसभा और लोकसभा का चुनाव है और इस चुनाव में आप सब अगर अपनी एकजुटता अपने स्थानीय स्तर पर दिखाने का काम करोगे अपने बीच में से मजबूत नेतृत्व खड़ा करने का काम करोगे तो आप सब भरोसा रखिएगा सफलता आपके चरण चूमने का काम करेगी। सफलता को प्राप्त करने के लिए जितने भी यहां पर विशेष तौर से माली महासंगम के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आए हैं मैं महात्मा ज्योतिबा फूले माता सावित्रीबाई फूले। बड़े शर्म की बात है हमारे अतिथि आज हमारे समाज के हमारे बीच में है और आप यह राजस्थान में आज पहली बार ऐसा महासंगम होने जा रहा है जो लाखों की भीड़ इसमें उपस्थित है यह आप ही के हैं और आप ऐसी चीजें कर रहे हैं। आप शांति बना के रखिए सारे भाई बैठ जाइए एक बार बैठ जाइए सभी बैठ जाइए सर सर
बोलिए भारत।